हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन आगे मिलेंगे आपको, तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान देगा। समझ नहीं आए तो बार बार इसको देखिएगा। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक आवेश Q है, ये जितने बल का अनुभव करेगा वह उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो माना बिंदु आवेश पर, माना किसी बिंदु पर क्यू जीरो आवेश है। क्यू जीरो क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। तो उस पर बल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगी? इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि बल और आवेश का जो अनुपात होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से एफ बराबर, बल बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा, क्यू जीरो ई हो जाएगा, या फिर एफ इक्वल टू, अगर यहाँ पे तो क्यू जीरो है, अगर आवेश मेरा क्यू हो तो क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। क्यू जीरो क्या है? परीक्षण आवेश होता है, और क्यू क्या है? ऐसे आवेश, ठीक है। आप इसका विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? ये यहाँ पे जो दिया है इसी का हम लोग को एक सूत्र निकालना रहता है जिसको विमीय सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। एफ क्या है? बल का, बल का हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और आवेश का क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? ए ये ऊपर चला जाएगा तो टी के पावर माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा? टी के पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और ए के पावर वन है तो ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस वन हो जाएगा। मैं विमीय सूत्र निकालना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, अब देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब कोई सा एक बिंदु दिया है उसके कारण अगर क्या विद्युत क्षेत्र आता है ये देखते हैं। तो माना एक बिंदु ओ से बिंदु पी पर आर दूरी लिए हैं, और इस पर क्या है? बल एफ लग रहा है। तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो लगाए हैं, तो हम लोग को ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है वहाँ पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर बल के कूलाम के नियम से, हाँ कूलाम के नियम से। अब बल क्या आएगा, हम लोग कूलाम का नियम देख चुके हैं, तो बल यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है तो वहाँ पे बल एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू क्यू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आवेश क्यू है और यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे के क्या है? एक नियतांक है, ठीक है। अब हम लोग अभी देखे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई इक्वल टू क्या है? एफ अपॉन क्यू जीरो, ठीक है। तो इसको समीकरण एक, इसको समीकरण दो ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण दो में एफ का मान रखेंगे तो ई इक्वल टू एफ का मान रखेंगे तो एफ का मान ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन क्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ का जो क्यू जीरो है, यहाँ का जो क्यू नॉट है वो क्या है? कट जाएगा, तो क्या होगा? वन अपॉइंट फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सदिश के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? वन अपॉइंट फोर पे एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर का कैप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आर कैप क्या है? ओ से पी की दिशा में एकांक सदिश राशि। आर कैप क्या होगा यहाँ पे? अगर आर कैप लेंगे तो ओ से पी की दिशा में एक सदिश राशि, मीन्स सदिश राशि मीन्स उसका कोई दिशा या परिमाण होगा, अदिश का तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर वायु अनिर्वात है तो ये माध्यम का मान क्या हो जाएगा? एक होता है के का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन अपॉइंट फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, 6 माइक्रोकूलम आवेश से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हम लोग को आवेश दिया है क्यू इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, और दूरी दिया है, ये दूरी दिया है, दूरी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मीटर दिया है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पे है, वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस मान रख दो आ जाएगा वैल्यू। तो वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन जीरो को हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब इस क्यू इक्वल टू दिया है
सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स ये आ जाएगा और अपॉन आर का स्क्वायर, आर ये है ठीक है, तो इसका थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, तो नाइन से नाइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर थ्री हो जाएगा ठीक है। ये तो बिंदु एक बिंदु आवेश के लिए था, अब क्या है मान लो बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो वहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो क्या करेंगे, माना कि बहुत सारे आवेश क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री है ठीक है, क्यू एन तक है ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री आर एन तक है और एक बिंदु पी है ठीक है, वहाँ पे हम लोग को अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालना है बिंदु पी। तो माना क्यू वन के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ई वन वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन अपॉन आर वन पी का स्क्वायर, क्योंकि वन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सब चीज वन ही होगा, तो यहाँ पे आर वन पी का कैप हो जाएगा ठीक है। अगर आवेश क्यू टू के कारण निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आर टू पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर टू पी हो जाएगा ठीक है। तो हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है जो विद्युत क्षेत्र है बाकी का सदिश योगफल होता है ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबको जोड़ देंगे आर वन पी, तो ये हम लोग का आएगा ई इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और समेशन आई इक्वल टू वन एन क्यू आई, और आई का मान क्या है अगर वन है तो वन आएगा, टू है तो टू आएगा, थ्री फोर ऐसे आते जाएगा, एन का वैल्यू जितना आएगा है ना आर का भी वैसे ही आते जाएगा। तो ये है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों का निकाय पर विद्युत क्षेत्र ठीक है। अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते किसको है ठीक है, अगर एक विद्युत क्षेत्र है इस पे कोई एकांक धनावेश जिस मार्ग में जिस पथ पे गति करेगा वो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी ठीक है। मीन्स जिस मार्ग में गति करेगी ये आवेश वो क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की रेखा कहलाएगी ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण ठीक है, इसके बहुत सारे गुण हैं ठीक है, गुण जानेंगे तभी हम लोग को विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत किस मार्ग में गति करती है किस मार्ग में नहीं करती है तो उसका गुण प्रॉपर्टी जानना हमें बहुत जरूरी है ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धनावेश से प्रारंभ होती है मीन्स पॉजिटिव चार्ज से और ऋणावेश पे क्या होती है समाप्त होती है, ये इसका पहला गुण है ठीक है। और अगर कोई एक ही आवेश है ठीक है, एक आवेश है तो ये क्या होगा अनंत से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट पे ही खत्म होगा अगर एक ही आवेश है ठीक है। हाँ, और एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट देंगे मान लो ऐसे काट दी ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है दो पॉइंट मिल जाएगा, तो विद्युत जो है दो मार्ग में कभी गति नहीं करती, ऐसा कभी संभव ही नहीं है ठीक है, वो एक ही मार्ग में गति करती है। तो ये यहाँ पे क्या होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी ठीक है। अब एक और पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र क्या है चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, मान लो कोई सभी चालक है मान लो एक कैपेसिटर है ठीक है, तो उसके अंदर से होके नहीं जाती है, यहाँ पे वो दो वायर रहता है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ठीक है, यहाँ के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यह उसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है। धन्यवाद।